नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चले गया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्लीनिंग। वैसे तो आपने मेरे ब्लॉग में हमेशा ही मुझे क्लीन करते हुए, खाना बनाते हुए देखा है, जबकि मैं क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ जो। मगर आज के ब्लॉग में मैं क्लीनिंग करूँगी, मगर हर चीज़ क्लीन करूँगी। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने टॉयलेट से। और मैं टॉयलेट का इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं टॉयलेट में ये क्या बोलते हैं इसको हार्पिक वगैरह डालूंगी, तो हार्पिक वगैरह को सूखने में यहाँ लगाने में टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले यहाँ पे हार्पिक वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा के किचन वगैरह को साफ करूँ, है ना। तब तक यहाँ पे हार्पिक भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि दो दो मिनट या 20 मिनट तक तो रखना ही पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना टॉयलेट में। ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही रख लेंगे, ठीक है, काम करते करते। तो मैं इतना आज पूरा घर को अच्छे से क्लीनिंग करने के इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाला है। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि मेरा ऑफिस जो है वो रेगुलर बेस पे मैं जाने लगूंगी, तो काम करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, और रात भर नाइट शिफ्ट करने के बाद तो बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि घर को क्लीन किया जाए। आप लेट्स स्टार्ट। ध्यान से स्लिप से मैं फिर गिर ना जाऊं। अब ये जितना भी मेरा शैम्पू का गंदगी है इसको प्लास्टिक में डाल देते हैं। लोगों को अच्छे से ऊपर रख देते हैं। और उसको दूर में रख देंगे। तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है। मेरा मौसी का फेस वॉश भी यहाँ रख देते हैं, जो कि यूज़ नहीं करती, फिर भी रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा गंदगी अभी भी लग रहा है। जब तक वॉशरूम में हार्पिक हो रहा है, हार्पिक अपना काम कर रहा है, अब है इसकी बारी। इसमें मेरा सूजी बेसन वगैरह है, इसमें चावल है। अब ये हील टूट गया है, इसको फेंकना पड़ेगा, कोई काम का नहीं। ये मैंने दूसरा चप्पल खरीदा है, 100 रुपये का आया है, मगर पता नहीं यहाँ ना दर्द हो रहा है, पूरा पाव स्किन छील लिया इस चप्पल ने मेरा। इट्स टाइम टू क्लीन। झाड़ू लेके आती हूँ, फैन ऑफ कर देते हैं पहले, तो फैन जी ऑफ हो जाइए। जिस जिस बक्से की जरूरत नहीं है उसको भी फेंक दिया जाए, बेकार में स्पेस भरा रहा है। यार कैसे रखूँ, अब ये तो घुस ही नहीं रहा एक जगह। काम करती इसको ऐसे रख देती, इसको ऐसे रख देती, फिर भी ये सही नहीं लग रहा, क्या करें अब। चावल कहाँ रखूँ, एक कार्टून की तो जरूरत पड़ेगी ही। पहले एक चप्पल को रख देती हूँ नीचे, फिर उनके ऊपर मैं ऐसे दूसरा चप्पल रखूँगी ऐसे। अरे तो गिर रहा है, यहाँ पे हील को रख दूँगी, यहाँ भी एक ही हील फिट हो रहा है। अरे राम, क्या किया जाए, ये दूसरा चप्पल गंदा हो जाएगा। राइस तुझे मैं बीच में रख दूंगी,
कार्टून को बीच में रख दूंगी। वाह इतना थक गया, कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा मगर बहुत पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। डिब्बे को भी साफ करता बस ये इलाका थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब टॉयलेट को वापस क्लीन कर लेते हैं। अब तो हो गया होगा ये अब से एकदम चकाचक क्लीन। ये वाला वीडियो जो है ये मैंने पहले लिया था हमारे टॉयलेट को सफाई करने से पहले। इसके बाद ये वाला जो अब वीडियो है ये अभी सफाई करने के बाद मैंने कंपेयर करने के लिए ये वीडियो लिया। देखो कितना साफ हो गया। और इस जगह का तो मैं हर हफ्ता ही साफ करती हूँ फिर भी जूतों की वजह से ये हमेशा गंदा हो जाता है। देखो ये भी कितना अच्छा लग रहा है। आई होप यू कैन सी मी। वॉशरूम हो गया, दिस इज नॉट पानी पसीना है, वॉशरूम हो गया, टॉयलेट हो गया। अब बस इस पर्स को एक बार पोछा लगा लूँ अच्छे से साफ पानी से। इस खिड़की को थोड़ा एक्सो से साफ कर दिया जाए। ये रहा छोटा सा कपड़ा। या थोड़ा सा भिगो देते। या आई होप इट्स क्लीन नाउ। ये शीशा मैंने नहीं खरीदा था, यह शीशा पहले ही इस घर में रखा हुआ था। वैसे तो टूटा हुआ शीशा घर पे रखना अच्छी बात नहीं है ऐसा कई लोग बोलते हैं, मगर मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। इनफैक्ट टूटा हुआ चीज़ को भी और भी अच्छे से रखने का शौक है मुझे। अब लास्ट बचा है द वन एंड ओनली हमारा प्यारा सा किचन। अपे अपे का मतलब है थक गया थक गया। हमारे अरुणाचल आदि ट्राइब के लैंग्वेज में अपे अपे मतलब थक गया थक गया। आज और कल मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी, मतलब ऑर्डर करके खाना पड़ेगा क्योंकि इसका ऊपर का जो टॉप था ना उसमें बहुत सारा रश लग गया था। रश लगने की वजह से वो टूट गया था, तो भैया ने बोला कि अभी उनके पास ये ऊपर वाला चीज़ है नहीं तो दो दिन बाद एक दिन बाद आना पड़ेगा। अब अपना किचन साफ करना शुरू कर देते हैं। अभी तो सिर्फ ये एरिया हुआ है, एकदम इचिंग हो रही है बॉडी में। यहाँ पे इचिंग हो रही है, नीचे पे इचिंग हो रही है, यहाँ यहाँ इचिंग हो रही है। अब ये एरिया भी सेट करना है, इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है बस बीएड का आखिरी साल है, एक बार ये डिग्री मिल जाए फिर अपने गाँव वापस जाना है, बच्चों को हिंदी सिखानी है। भाई ओ भाई, मैंने इस टाइप की हूँ कि अगर कोई मेरे घर में आता है तो मैं उसको बोलना भी पसंद नहीं करूँगी कि प्लीज़ अपना बर्तन धो दे। आई नो कि मेरे जो फ्रेंड है ना वो जब आते हैं तो अरे मैं कर दूँगी ऐसा बोलने वाले लोग ही हैं, मगर मेरा मन नहीं करता कोई घर आए तो यार ये बेड ठीक कर दे, यार ये कपड़े धो दे बोलने का। मगर
ऐसा ही होके काफी दोस्तों ने मुझे यूज भी किया है कि सारा टाइम मैं ही बनाती हूँ ये, बट काफी पुरानी बात है जब ऐसा हुआ करता था। अभी तो उस बात को 3-4 साल हो गए मैंने ऐसे फ्रेंड सर्कल को टाटा बाय बाय करते हैं, अब ये वाला इलाका साफ करते हैं। अब पूरा बेसिन में पानी भर गया तो इसको निकालना पड़ेगा। ये नीचे वाला ना मेरा पाइप है, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था एक वो आता है गोली आती है पूरा बेसिन साफ करने का, सब कुछ पिघला देता है वगैरह, मगर क्या करे मेरा बेसिन तो नीचे तो पूरा उसका है, रबर का है, रबर वाला भी पिघलेगा क्या, पूरा गंदा जम गया इसलिए पानी नीचे नहीं जा रहा। इसको डालते हैं अपने जमा किए हुए पॉलिथीन वाले डस्टबिन पे। थक गया, आज तो बहुत शांति से सोऊंगी, सब कुछ साफ हो गया, आराम से सोऊंगी और जब दिवाली वगैरह आएगा तब लाइटनिंग वाइटनिंग वगैरह लगाऊंगी। अभी नहीं लगाऊंगी लाइटनिंग क्योंकि अभी वेस्ट ऑफ मनी है, जब तक दिवाली नहीं आता लाइट वगैरह बहुत महंगा होगा। टाइम टू क्लीन दिस बेसिन, इसके लिए मेरे पास अलग सा वो रहता है स्क्रबर, इसको साफ करने के लिए साइट वगैरह से साफ करना स्टार्ट करते हैं। ये पाइप भी कितनी बार मैंने साफ किया है, गंदा ही हो जाता है देखते देखते, ये साफ करने का मन ही नहीं करता। दो मिनट रेस्ट ले लेते हैं और पानी पी लेती हूँ, बर्फ खत्म हो गया है। बर्फ वाले पानी में पहले मैं ऐसे नॉर्मल पानी मिलाती हूँ जितना मुझे पीना रहेगा, फिर उसको बंद करके ताकि बर्फ बाहर ना आए साथ में इस छोटे से होल से पानी निकालती हूँ। कभी कभी आइस खरीदती हूँ, अब तो मैंने आइस अपने पीजी के मालिक के फ्रिज में रखना शुरू कर दिया और अब तो ठंड आ ही गई है, मुझे नहीं लगता अब ठंडी में पानी पीने का मन करेगा ज़्यादा, मतलब ठंडा पानी। जल्दी काम खत्म करते हैं वरना ब्लॉग फिर आधे घंटे का ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। अब अगर बचा है तो बस ये क्या कहते हैं, ये हमारा कूलर का ऊपरी हिस्सा, इसको भी अच्छे से साफ कर देती हूँ एक बार। ऐसे तो मैं इसको रोज ही साफ करती हूँ। आई होप जितने भी मेरे बहने भाई लोग थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं वो लोग को मोटिवेशन मिल रहा होगा उठ के घर सफाई करने का। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, ओ या। ऐसे ही नहीं गा रही, एक गाना है रणबीर कपूर का ऐसे रॉक स्टार मूवी का, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही गाते हो या। यस चकाचक, हमारे पौधे को वापस रख देते हैं, सुंदर पौधा, इसी पौधे की वजह से मेरे वीडियो को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पूरा इस तरह बैंड हो जाओगे, पूरा गिर जाओगे क्या। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे। यस अभी पूरा सब कुछ, अब बस लास्ट बेड बचा है, अब बेड को भी पूरा क्लीन करने का एक एक बार मैं घुमा घुमा के रूम को दिखाती हूँ कैसे क्या क्या साफ हुआ है। ठीक है, बिस्तर तो पहले से मिला हुआ है फिर भी
और एक बार अच्छे से मिला देते हैं इसको, क्योंकि अभी फिर मैं नहाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, नहाने के बाद मंदिर को साफ करूंगी। अया ओके गुड टू गो। बेड तो हमेशा मेरा फिलहाल फिलहाल बोल रही हूँ, वैसे तो साफ ही रहता है, साफ बेड ही अच्छा लगता है मुझे। नाउ माय बेड इज क्लीन। इसमें केचप खाया था तो केचप का गंदगी चला गया था। डन, हाँ सब साफ हो गया, बस भगवान जी का मंदिर बचा है। जल्दी से मैं नहा लेती हूँ। जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर भगवान जी का भी रूम वगैरह, उनके लिए तो रूम ही है ना, वो रूम वगैरह साफ करके पूरा घर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या साफ किया शुरुआत से। अब आखिरी जो हमें साफ करना था वो था भगवान जी का मंदिर। उनके मिश्री पे वो चला जाता है चीटी। भगवान जी के मंदिर को साफ करना है बस। इनको मैंने नहला दिया था। तो देवियों और सज्जनों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। बाय बाय।